नमस्कार, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की परिचर्चा का विषय है खोजी पत्रकारिता एवं अपराध, मीडिया और पुलिस। इस परिचर्चा में हम खोजी पत्रकारिता एवं अपराध समाचारों के लेखन पर चर्चा करेंगे, साथ ही मीडिया, पुलिस एवं अपराधी के विषय में भी जानेंगे। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं इकबाल रिज़वी और मैं हूँ सुम्बुल शकील। इकबाल रिज़वी पिछले 27 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्यरत हैं। आज जिन विषयों पर हम चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं: मीडिया की व्याख्या करना, अपराध का विश्लेषण करना, पुलिस की परिभाषा प्रस्तुत करना, खोजी पत्रकारिता पर प्रकाश डालना, अपराध समाचारों के लेखन को जानना। मीडिया की व्याख्या। मीडिया का सामान्य अर्थ संचार माध्यम होता है। विभिन्न क्षेत्र की सूचनाओं को जनहित में प्रकाशित और प्रसारित करने का काम मीडिया करता है। प्रेस के आविष्कार के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने सूचनाओं को प्रकाशित करने का काम किया। आगे चलकर रेडियो पर समाचारों का प्रसारण किया जाने लगा। टेलीविजन के जन्म के बाद टीवी पर भी समाचार प्रसारित किए जाने लगे और अब इंटरनेट के आ जाने पर उनके जरिए भी समाचार के प्रसारण और प्रकाशन का काम मीडिया कर रहा है। मीडिया जन समूह तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने का एक माध्यम है। ये संचार का सरल और सक्षम साधन है जो अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। ऐसे युग में जहां ज्ञान और तथ्य आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए औजार हैं, देश में सुदृढ़ और रचनात्मक मीडिया की मौजूदगी बेहद अहम है। ये सरकार को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक लक्ष्य हासिल करने में सहायता करता है। शहरी और ग्रामीण जन समूह को शिक्षित करने, लोगों के बीच उत्तरदायित्व की भावना जागृत करने और जरूरतमंदों को न्याय प्रदान करने में सहायता करता है। ये राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रमों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व के बदलते परिदृश्य के साथ इसने उद्योग का दर्जा प्राप्त कर लिया है। भारत में मीडिया और मनोरंजन उद्योग में उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहे हैं। अपराध का विश्लेषण। जीवन के शब्दकोश में अपराध हमेशा मौजूद रहे हैं। पौराणिक गाथाओं में भी अपराध बहुतायत में दिखाई देते हैं। इतिहास के पन्ने पलटे तो कला, साहित्य, संस्कृति में अपराध तब भी झलकता था जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार भी नहीं हुआ था। अपराध क्या है? किसी देश द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करना अपराध कहलाता है और इसके लिए राज्य दंड देने की शक्ति रखता है। दरअसल समाज को कानूनी रूप से व्यवस्थित रखने के लिए कोई भी देश मानवता और अपने समाज के मद्देनजर कानून बनाता है और साथ ही उन कानूनों को तोड़ने पर दंड की व्यवस्था भी की जाती है। कई देशों में जो कृत्य अपराध नहीं है वे भारत में अपराध की श्रेणी में रखे गए हैं। इसी प्रकार अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग देश में विभिन्न दंड व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मूल रूप से सजा का उद्देश्य समाज के लोगों में भय के माध्यम से अपराध के प्रति विरक्ति पैदा करना है, क्योंकि अपराध समाज में भय और घृणा का माहौल पैदा करता है और इसका सीधा असर सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है। अपराध शास्त्र के विद्वानों के मुताबिक भारत में जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई है, अपराधों में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ दशकों से भारत में संगठित अपराध तेजी से बढ़े हैं। कंप्यूटर युग में एक नए तरह का अपराध भी सामने आया है जिसे साइबर क्राइम कहा जाता है। अपराध पर नियंत्रण रखने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस विभाग का गठन किया गया है। अपराध को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। ये विभाजन अपराध की प्रकृति के अनुसार किया गया है। उदाहरण के लिए हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे अपराधों की श्रेणी अलग है, जबकि धोखा देने, चोरी करने आदि जैसे अपराधों को अलग श्रेणी में रखा गया है। पुलिस की परिभाषा।
पुलिस सरकार द्वारा गठित एक ऐसा सुरक्षा बल होता है जिसका उपयोग किसी भी देश की आंतरिक नागरिक सुरक्षा के लिए किया जाता है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय है, इसलिए अपराध रोकने, पता करने, दर्ज कर जांच पड़ताल करने के साथ साथ अपराधियों को विरुद्ध अभियोजन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। हालांकि केंद्र सरकार राज्य के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पुलिस का उत्तरदायित्व। प्रत्येक राष्ट्र के अपने कानून होते हैं। देश के नागरिक उन कानूनों का पालन करते हैं, परंतु कुछ लोग देश के कानून की अवहेलना कर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। पुलिस विभिन्न अपराधों में उनका चालान कर न्यायालय में प्रस्तुत करती है। पुलिस की अनेक श्रेणियां होती हैं। हमारे देश में केंद्रीय रिजर्व पुलिस, यातायात पुलिस, सामान्य पुलिस, सशस्त्र पुलिस और गुप्तचर पुलिस आदि अनेक प्रकार की पुलिस हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी अलग अलग पुलिस है। पुलिस के मुख्य कार्य: कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपराध का निवारण करना, अपराध की जांच करना, अभियुक्त को गिरफ्तार करना, व्यक्तिगत झगड़ों में हस्तक्षेप कर समझौता कराना, नागरिकों की जान माल और आजादी की सुरक्षा करना, चोरी किए गए माल को बरामद कराना, कानूनी आदेशों और वारंट को निष्पादित करना। हालांकि भारत में पुलिस का कार्य बड़ा जटिल और कठिन हो गया है। राजनेताओं की विभिन्न रैलियों के दौरान सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था बनाए रखना, जुलूसों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना, हड़ताल, धरनों और बंद के दौरान असामाजिक तत्वों से राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करना, राजनेताओं के व्यक्तिगत सुरक्षा करना, चोर डकैतों और लुटेरों से आम नागरिक की रक्षा करने जैसे काम में पर्याप्त संख्या ना होने की वजह से पुलिस को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुलिस कर्मचारी 24 घंटे खतरों से जूझते हैं, चोर डकैतों से मुठभेड़ के दौरान घायल हो जाते हैं, भीड़ के द्वारा पथराव की स्थिति में चोट खाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात में ड्यूटी देनी पड़ती है। खोजी पत्रकारिता। मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है, उसे वो सब जानना अच्छा लगता है जो सार्वजनिक नहीं है या जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे गौर तथ्यों या सच को समाज के हित में उजागर करने का काम ही खोजी पत्रकारिता कहलाता है। पत्रकारिता के पेशे में खोजी पत्रकारिता महत्वपूर्ण और सम्मानित काम माना जाता है, लेकिन ये कठिन कार्य है। आधे अधूरे तथ्यों की पड़ताल, गुमनाम स्रोतों से मिली जानकारियों और लीक हुए दस्तावेजों की ईमानदारी से प्रामाणिकता जांचना आसान नहीं होता है। यानी जो सच सामने नहीं होता है उसे सामने लाने की कड़ी पड़ताल करनी पड़ती है। दरअसल जिसे छिपाया जा रहा हो, जो तथ्य किसी लापरवाही, अनियमितता, गबन, भ्रष्टाचार या अनाचार को सार्वजनिक करता हो अथवा किसी कृत्य से जनता के धन का दुरुपयोग किया जा रहा हो, ऐसे समाचारों को सामने लाना खोजी पत्रकारिता है। कुल मिलाकर सत्य और तथ्य का रहस्योद्घाटन करना, यानी किसी बात की तह तक जाना, उसका निष्पक्ष निरीक्षण करना और उस विषय से जुड़े संदर्भ, स्थितियां, परिस्थितियां व गड़बड़झाले को रेखांकित करना खोजी पत्रकारिता का काम है। ये काम काफी मुश्किल और संयम बरतने वाला होता है, क्योंकि खोजी पत्रकारिता के दौरान तथ्य आधे अधूरे मिलते हैं, गुमनाम स्रोतों से जानकारियां आती हैं, लीक हुए दस्तावेज होते हैं जिनकी प्रामाणिकता जांचना कठिन होता है। यानी सच सामने नहीं होता, उसे सामने लाना पड़ता है। लेकिन खोजी पत्रकारिता का उद्देश्य बदले की भावना या निजी हित नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वप्रेरित नैतिकता और आचार संहिता को आधार मानते हुए जिस जानकारी को बेपर्दा किया जा रहा है उसका जनहित से सीधा संबंध होना चाहिए। खोजी पत्रकारिता की जरूरत। आमतौर पर माना जाता है कि सरकार, कंपनियां, संगठन, संस्थान और व्यक्ति भी कई नियम, कानून, निर्णय और घटनाएं छिपाने का प्रयास करते हैं जिनका दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
ऐसे में खोजी पत्रकारिता उन छिपे अपराधों को सामने लाकर लोगों को न्याय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि समाज को कानून की बागडोर संभालने के लिए अधिकृत लोगों को और जनहित के लिए निर्णायक पदों पर बैठे लोगों को समय समय पर सतर्क किया जाना चाहिए कि गलत क्या और कैसे हो रहा है, कानून कहाँ तोड़ा जा रहा है, फैसलों में पक्षपात कहाँ है, व्यवस्था में लापरवाही या अपराध कहाँ और कैसे पनप रहा है। इसके अलावा हमारे प्रजातंत्र के तहत स्थापित राजनीतिक व्यवस्था में वचनबद्धता को स्थिर रखने के लिए भी खोजी पत्रकारिता बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता से जुड़े लोग जनता को लुभाने के लिए वादे करते हैं लेकिन बाद में कई वादे भुला दिए जाते हैं। खोजी पत्रकारिता के महत्वपूर्ण चरण। बीबीसी के नामी पत्रकार मैट प्रॉजर बताते हैं कि खोजी पत्रकारिता के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। रिसर्च, गोपनीयता, सतर्कता और साहस। रिसर्च, किसी भी खोजी रिपोर्ट के लिए सबसे पहले गहराई से विषय के बारे में रिसर्च करना जरूरी है। जितने अधिक लोगों से जितनी अधिक जानकारी जुटाई जा सके रिपोर्ट उतनी ही सटीक होगी। ये काम काफी कठिन है, इसमें समय भी लगता है और पैसे भी खर्च होते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। खोजी पत्रकारिता में कई बार किसी मामले से जुड़े पुराने पक्ष आपके समाचार के खोज मूल्य को बढ़ा देते हैं। इसमें पुराने सरकारी दस्तावेज, समाचार पत्रों में प्रकाशित पुराने समाचार, किताबें और पत्रिकाओं में प्रकाशित पुराने आलेख भी किसी विषय, व्यक्ति या घटना के अन्य पहलुओं को जानने सहित बदलाव को समझने में सहायक होते हैं। गोपनीयता, देखा गया है कि जिन लोगों को सच पता होता है वे इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। उनसे सच बाहर निकलवाने के लिए उन्हें इस बात का भरोसा दिलाना बेहद जरूरी है कि उनकी बताई बातों से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर सामने वाला गोपनीयता चाह रहा है तो उसे हर हाल में उसका भरोसा बनाए रहना होगा। साथ ही जिस शर्त पर और जिस काम के लिए जानकारी ली जा रही है उसका वैसे ही इस्तेमाल होगा। सतर्कता, अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग पत्रकार से बात करने को राजी होते हैं उनका उद्देश्य सही नहीं होता। कई बार बदले की भावना, राजनीतिक द्वेष या निजी स्वार्थ हावी हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का आरोप है वह भी बात करने से इनकार कर दे। ऐसे में पत्रकार की रिपोर्ट पूरी तरह से एक तरफा और पक्षपात पूर्ण हो जाएगी। पत्रकार को लोगों के साथ हुई बातचीत का पूरा विवरण नोट करने, अपने सारे सूत्रों के नाम, घर के पते, मोबाइल नंबर वगैरह सुरक्षित रखने के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन चीजों के लिए बेवजह भाग दौड़ या प्रतीक्षा ना करनी पड़े। खोजी रिपोर्ट गंभीर काम है और उनके परिणाम काफी बड़े हो सकते हैं, इसलिए उनका असर भी होता है। अक्सर खोजी रिपोर्टिंग की शुरुआत से कानूनी विशेषज्ञ की सलाह ली जानी चाहिए। साहस, खोजी पत्रकारिता को जासूसी करना भी कहा जाता है। इसे न्याय दिलाने का समानांतर मॉडल और जनता के लिए तय कानून और व्यवस्था को दायित्वपूर्ण बनाए रखने वाला मध्यस्थ भी कहा जा सकता है। यह गहन जांच परख और अनुसंधान की एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें पत्रकार को अक्सर खतरों का सामना करना पड़ता है। एक खोजी रिपोर्ट एक मुकदमा लड़ने की तैयारी से कम नहीं होती, जिसमें पूरी विस्तृत फाइल तैयार की जाती है। ये काम कठिन है, धीरज वाला है और तत्काल कोई परिणाम नहीं मिलता, लेकिन एक बार जब आपकी रिपोर्ट प्रसारित होती है उसका असर जरूर होता है, जो एक पत्रकार के लिए बहुत सुखद है। खोजी पत्रकार के गुण। एक खोजी पत्रकार में अनियमितता, सूंघने की क्षमता, सतर्कता, धैर्य, अथक परिश्रम, स्रोत निर्माण व जनसंपर्क में महारत, निरीक्षण, संतुलन, सत्य परीक्षण, संदेह की प्रवृत्ति, दस्तावेज जुटाने का हुनर, तथ्यों को जांचने और परखने का कौशल, दबाव सहने की क्षमता, निष्पक्षता और निर्लिप्तता, लेखन में सटीक शब्दों का चयन सहित कानूनों का ज्ञान और पेचीदा विषयों पर समाचार लेखन में बचाव की तकनीक जैसे सभी गुण होने चाहिए। हालांकि उपरोक्त गुण हर प्रकार की पत्रकारिता के लिए आवश्यक है,
लेकिन खोजी पत्रकारिता में अतिरिक्त सतर्कता, संतुलन और सावधानी की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि आज का दौर महज समाचारों का दौर नहीं है। संपादक भी अपेक्षा करते हैं कि उनका संवाददाता समाचारों की तह में छिपे समाचार को खोजने और प्रस्तुत करने में समर्थ होना चाहिए। खोजी पत्रकारिता के औजार, रेकी। खोजी पत्रकारिता में रेकी का विशेष महत्व है। रेकी को निरीक्षण करना भी कहा जाता है, यानी किसी प्राथमिक जानकारी की पुष्टि करने के लिए मौके पर छानबीन करना। रेकी एक प्रक्रिया है जिसमें स्पॉट यानी स्थल का निरीक्षण करते हुए अवलोकन किया जाता है। इसमें संवाददाता की संदेह की क्षमता, कल्पनाशीलता और अनुभव की परीक्षा होती है। दस्तावेज। खोजी पत्रकारिता में दस्तावेज का बहुत महत्व है, क्योंकि दस्तावेज एक ऐसा साक्ष्य होता है जिसे नकारा या झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन दस्तावेज हासिल करना आसान काम नहीं है। सरकारी उपक्रमों, कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों से जुड़े दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सूत्र या स्रोत संवाददाता के लिए वरदान होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक पत्रकार की कामयाबी की कुंजी उसके सूत्रों का जाल होता है। हालांकि दस्तावेजों के मामले में खास सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार कर्मचारी अपने अधिकारियों से बदला निकालने के लिए ऐसे दस्तावेज संवाददाताओं को देते हैं जिससे अधिकारी को नुकसान पहुंचे, लेकिन वे दस्तावेज आरोप के लिए उपयुक्त नहीं होते। लिहाजा दस्तावेजों की दोहरे और तिहरे स्तर पर जांच और पुष्टि जरूर की जानी चाहिए। साक्षात्कार। आमतौर पर पीड़ित, प्रत्यक्षदर्शी और सरकारी या निजी संस्थानों के अधिकारियों से भी बातचीत कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन सवाल जवाब या साक्षात्कार के दो नियम हैं। एक ये कि आप अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए पूछताछ करते हैं, और दूसरा पहचान सार्वजनिक करते हुए जवाब प्राप्त कर सकते हैं। दोनों में से क्या ठीक रहेगा, इसका फैसला संवाददाता के अनुभव और विवेक से तय होता है, क्योंकि कई बार संवाददाता को पहचान छिपाने से ही सूचना मिलती है। घात लगाकर सबूत जुटाना। इसे स्टिंग ऑपरेशन, घात पत्रकारिता या डंक पत्रकारिता भी कहा गया है। दरअसल घात पत्रकारिता खोजी पत्रकारिता का ही आधुनिक रूप है, लेकिन इसमें दस्तावेज से अधिक दृश्य या फोटो का विशेष महत्व होता है, क्योंकि घात पत्रकारिता में दृश्यों को सबूत की तरह इस्तेमाल किया जाता है। टीवी माध्यमों में स्टिंग ऑपरेशन का प्रचलन अधिक है, क्योंकि ये सनसनी पैदा करता है। लेकिन आज के दौर में किसी गड़बड़ी का छिपकर फिल्मांकन करना या पहचान छिपाकर किसी को कृत्य, गैरकानूनी काम, मिलावट, साजिश, लापरवाही, अपराध, जालसाजी या रिश्वतखोरी को प्रमुखता से दिखाया जाना स्टिंग ऑपरेशन कहलाता है। स्टिंग ऑपरेशन का सीधा संबंध गोपनीयता से है। इसमें संवाददाता अपनी पहचान छिपाकर या किसी अन्य व्यक्ति की मध्यस्थता से गलत काम करने वालों की गोपनीय कारगुजारियों को अपनी नियंत्रित स्थितियों में प्रेरित करता है और उसे कैमरे में कैद किया जाता है। स्टिंग ऑपरेशन आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए सही तरीका, समय और स्थितियों को बुनना पड़ता है। यही नहीं, स्टिंग के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन होने भी जरूरी है। इसमें स्पाई कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और कई बार मिनी सीसीटीवी कैमरे का भी इस्तेमाल किया जाता है। यह जानना जरूरी है कि जब किसी स्टिंग के विरोध में कोई अदालत का दरवाजा खटखटाता है, तो संवाददाता को जवाब भी देना पड़ सकता है कि जो स्टिंग किया गया वो जनहित से कैसे संबंध रखता है। यही नहीं, मांगे जाने पर संवाददाता को फॉरेंसिक जांच के लिए उन दृश्यों की मूल प्रति भी देनी पड़ सकती है, जिसमें वीडियो के प्रमाणिक होने की जांच की जाती है और प्रसारण में अनावश्यक संपादन पाए जाने पर कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। स्टिंग ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त सावधानी और समझदारी की आवश्यकता होती है। प्रयोगशाला और यंत्र परीक्षण। खोजी पत्रकारिता में किसी फोटो, फिल्म, कंप्यूटर, मेमोरी कार्ड, मोबाइल फोन, इंटरनेट का आईपी एड्रेस, उत्पाद, वस्तु, पदार्थ, द्रव्य और दवा की अलग अलग प्रयोगशालाओं से जांच भी सबूत हासिल करने का एक जरिया होती है। इस प्रकार के प्रायोगिक जांच के लिए संवाददाता को धन व्यय करना पड़ता है,
लेकिन यदि समाचार संस्थान उसके महत्व को समझता है तो संवाददाता को व्यय की गई रकम का भुगतान करता है। लेकिन कुछ प्रयोगशाला जांच ऐसी होती हैं जिनकी सुविधा निजी प्रयोगशालाओं के पास नहीं होती। ऐसे में संवाददाता, पुलिस, विश्वविद्यालय प्रयोगशाला, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं दवा जैसे विभाग की सहायता से जांच करवाकर मानक स्तर पर होने या ना होने की रिपोर्ट प्राप्त करते हैं। ऑनलाइन खोज। आजकल गूगल का जमाना है, ऐसे में किसी भी जानकारी को इंटरनेट के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाइन पड़ताल खोजी पत्रकारिता के लिए एक नया औजार है, क्योंकि इससे किसी मामले या विषय का ऐतिहासिक पहलू भी जाना जा सकता है और वर्तमान स्थिति का आंकलन और निगरानी भी की जा सकती है। गूगल पर आप किसी का नाम दर्ज करें तो उससे जुड़ी तमाम अपलोडेड सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अलावा अधिकांश लोग फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे प्रचलित सामाजिक संचार मंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं। संचार के ऐसे नए मार्ग कभी कभी किसी व्यक्ति के व्यवहार, संबंध और उसकी मनस्थिति जानने में सहायक होते हैं। खोजी पत्रकारिता में ऐसे ऑनलाइन मंच सूचनाओं को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अपराध समाचारों का लेखन। अपराध की घटनाओं के बारे में लोगों की उत्सुकता के मद्देनजर 20वीं सदी की शुरुआत से समाचार जगत में अपराध समाचार एक बीट के रूप में उभर आया। आज से 2 दशक पहले तक दुनिया भर में जो महत्व राजनीति और वाणिज्य को मिलता था, वह महत्व अब अपराध को मिलने लगा है। अपराध समाचारों को मीडिया में मिले महत्व के चलते ही अमेरिका में वाटरगेट मामले का खुलासा हुआ था, जिसकी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को अपना पद तक छोड़ना पड़ा था। भारत में भी धीरे धीरे इस तरह के मामले बढ़े। 2009 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल 86 वर्षीय नारायण दत्त तिवारी को एक तेलुगु चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के बाद अपनी गति को अलविदा कहना पड़ा। चैनल में उन्हें राजभवन में महिलाओं के साथ आपत्तिजनक अवस्था में दिखाया गया था। उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में सामने आए निठारी कांड की गूंज संसद में सुनाई दी और नोएडा के ही आरुषि हत्याकांड ने देश को हिला दिया। अपराध समाचारों का संकलन और लेखन दूसरे विषयों के समाचारों के संकलन और लेखन से अलग होता है। अपराध समाचारों की रिपोर्टिंग और लेखन में सही घटना के तथ्यात्मक चित्रण में पत्रकारों से संयम की अपेक्षा की जाती है। अपराध समाचार लिखते समय ये सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है कि उससे आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा ना मिले। किसी भी परिस्थिति में आरोपी को हीरो की तरह प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। दो पक्षों के झगड़े का समाचार लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे पढ़कर उत्तेजना या सामाजिक वैमनस्य ना फैले। टीवी पर इस तरह की खबर दिखाई जाते समय ये आवश्यक है कि दिल को दहलाने वाले, विभत्स और उत्तेजना फैलाने वाले चित्र ना दिखाए जाए। अपराध समाचार के मिलने पर उसकी पुष्टि करना जरूरी है। पत्रकार के सूत्र चाहे कितने भी विश्वसनीय क्यों ना हो, लेकिन खुद समाचार की छानबीन करना और उसके बारे में पुलिस के वक्तव्य को शामिल करना अपराध समाचार के लिए अनिवार्य है। इससे समाचार एक पक्षीय होने से बचता है और कानूनी झमेलों में फंसने की आशंका समाप्त हो जाती है। अपराध समाचारों के लेखन से पहले भुक्तभोगी और आरोपी दोनों से मिलकर उनका पक्ष जानने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। साथ ही घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का बयान भी लेना चाहिए। अपराध संचार के लेखन के समय घटनास्थल का विवरण, अपराध का समय, अपराध का उद्देश्य और पुलिस की भूमिका जैसे तथ्यों का उल्लेख करने से समाचार भरोसेमंद बनता है। यदि हत्या जैसा अपराध है तो मृतक की पहचान या हुलिया, हत्या का तरीका जैसी जानकारियों का उल्लेख होना चाहिए। बलात्कार से संबंधित समाचार में पीड़िता के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए, ना ही ऐसी बातों का उल्लेख करना चाहिए जिससे उसकी पहचान उजागर होने का खतरा हो। इसमें पुलिस विभाग पर निर्भरता बहुत बढ़ जाती है। अपराध की सूचना का सबसे बड़ा केंद्र पुलिस विभाग का होता है। पूरे जिले में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी पुलिस विभाग की होती है, जहां से पत्रकारों को जानकारी मिलती है। इसके अलावा सरकारी चिकित्सालयों अथवा बड़े प्राइवेट अस्पतालों से भी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सारांश।
प्रस्तुत आलेख में ये जानने का प्रयास किया गया कि मीडिया क्या है, पुलिस का स्वरूप क्या है और अपराध किसे कहते हैं। साथ ही खोजी पत्रकारिता के महत्व, उद्देश्य और उसके विभिन्न चरणों की क्रमबद्ध व्याख्या की गई। इसके अलावा अपराध समाचारों के लेखन के बारे में विस्तार से बात की गई। विशेष रूप से अपराध समाचारों के लेखन में बरती जाने वाली सावधानियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। एक नए विषय के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.